मनोज अभिषेक झा, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ा सा लग नहीं रहा कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होएगा? पीडीए, अब एक नई डेफिनेशन इसकी सामने आ गई है। क्या ये लड़ाई जातिगत होने वाली है या राष्ट्रवादी होने वाली है या देशभक्ति की लड़ाई रहेगी? क्या किसी एक मुद्दे पर तय हो जाएगा जल्दी? क्योंकि जो पहली बैठक हुई उसमें तो इस पर चर्चा हुई नहीं। हालांकि ममता बनर्जी ने एक संकेत जरूर दिया कि भैया हमें विपक्ष नहीं कीजिए, हमें विपक्ष कहिए मत, ये देश विरोधी लगता है। एक संकेत उन्होंने जरूर दिया और दूसरा संकेत कल डी राजा की प्रेस रिलीज से मिल गया। देखिए, हमें पेट्रियोटिक होने का, देशभक्त होने का सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं। कुछ फर्जी राष्ट्रवादी हैं इस देश में जो राष्ट्रभक्त होने का ढोंग तो करते हैं लेकिन इस राष्ट्र से उन्हें मतलब नहीं है, राष्ट्र के लोगों से उन्हें मतलब नहीं है, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों से कोई मतलब नहीं। विश्लेषण करने के लिए हर कोई स्वतंत्र, लेकिन सबसे अहम चीज क्या होती है? सबसे अहम बात यही है कि बिहार से एक बहुत सकारात्मक संदेश मिला। नीतीश कुमार भी लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे, इंडिविजुअली मिल रहे थे, विपक्ष के अन्य नेताओं की भी मुलाकात हो रही थी। भाजपा के लोग हमेशा कहते थे ये विपक्ष के नेता एक साथ एक मंच पर एक समय पर बैठ ही नहीं सकते, एक डेट क्या बढ़ी, ये तो खुशियां मनाने लगे। लेकिन हम जानते हैं कि इनकी रातों की नींद चली गई है जब से बिहार में ऐसी बैठक हुई, और आने वाले समय में जो बैठक शिमला में होनी, जो कुछ अनाउंस हुआ है, एक एक करके सभी स्ट्रेटजीज आपके सामने है। ऐसा जरूरी है क्या कि विपक्ष के लोग मिलकर जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो सारी स्ट्रेटजीज पहले ही इनको बता दें ताकि उसका विश्लेषण ये अपने मन मुताबिक करते रहे? खैर, ये लोग भी जानते हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, भाजपा के लोग अंदर से बहुत डरे सहमे हुए हैं। उनको मालूम है कि कुछ ऐसे बड़े प्रदेश हैं जहां ये गठबंधन एकदम जबरदस्त परफॉर्म करेगा और इन्हें जनता के द्वारा मुंह की खानी पड़ेगी और केंद्र की सत्ता से तो इन्हें बाहर होना ही है, तो उस बात की बेचैनी जबरदस्त है इनके मन के अंदर और ये स्ट्रेटजीज बनाने में लगे हैं। अब मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को डाइल्यूट किया जाए, कैसे इसका नामकरण किया जाए। अब नामकरण करने के चक्कर में लगे हैं, देश की जनता जानती है कि भाजपा का नामकरण क्या है। नामकरण तो आपकी तरफ से किया जा रहा है ना, संकेत तो आपकी तरफ से दिए गए हैं, डी राजा वो भी तो शामिल है ना विपक्षी एकता मिशन में, आपके इस महागठबंधन में। विपक्ष के जो भी लोग विश्लेषण करते हैं वो एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करते हैं, और मैं डिफरेंट चैनल्स पर भी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग, या अभी आपके चैनल पर भी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जो अलग अलग नामकरण कर रहे हैं पीडीए का, कुछ परिवारवादी बता रहे हैं, कुछ अलग चीजें बता रहे हैं। खैर, इनको विश्लेषण करने दीजिए, देश की जनता तो जानती है ना कि ये बड़का झूठा पार्टी। अभी विश्लेषण कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, इसी तरह पूछिए ना कि भाई जब आपने उज्ज्वला योजना लाई तब 400 रुपए गैस सिलेंडर मिल रहा था, 1200 रुपए मिल रहा है, आप जनधन योजना लेकर के आते हैं उसका क्या लाभ मिलता है लोगों? इनसे जरा पूछिए कि पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया, रोज कितनी कितना इंक्रीमेंट होता है, आप देश की जनता को जानने तक नहीं देते हैं। आपने महंगाई की मार से देश को परेशान किया, रोजगार का वादा करते थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। स्थिति क्या है कि आज आपने देश पर जो कर्जा है वो कई गुना बढ़ा दिया है। आज देश में एक बच्चा पैदा होता है उसके पास एसेट हो कि ना हो, लेकिन आपके माध्यम से उसके माथे पर कर्जा जरूर चढ़ जाता। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विकास की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपसे ना हो पाए। आप लोगों के लिए प्राथमिकता में क्या शामिल हो गया कि देश के स्तर पर कैसे हम माहौल खराब करें, तनाव पैदा करें, धार्मिक उन्माद फैलाएं? आपके लिए मुद्दे तो सिर्फ मंदिर मस्जिद है, भारत पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है, ये प्रोमिनेंट मुद्दे है। तो आप सोचते हैं कि आप धर्म के मुद्दे को आधार बनाकर बार बार जीत जाइएगा तो ये देश की जनता इस बार नहीं होने वाली। और इनका एक नैरेटिव क्या है कि 2014 से पहले देश में कोई विकास कार्य हुए ही नहीं थे। देश की आजादी से लेकर देश के विकास में इन लोगों का कितना अहम योगदान है ये देश की जनता जाने। आजादी से पहले इनसे जुड़े संगठनों का क्या रोल रहा, कितना योगदान रहा, कितना बलिदान रहा, क्या सैक्रिफाइसेस, क्या तो ये यही बात तो आपसे बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं ना मनोज अभिषेक जी, यही बात तो वो पूछ रहे हैं। हमने राष्ट्रवाद के नाम पर 2019 का हमने ये एक बड़ा मुद्दा बनाया क्योंकि उनके पास उसका प्रमाण था, उनके पास पुलवामा हमला, उनके पास उरी एयर स्ट्राइक, ये सब था, धारा 370, ये तमाम मुद्दे थे जिनको उन्होंने जनता के बीच रखा। वो यही पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है? इनके कहने से होगा, इससे पहले देश में युद्ध नहीं हुए थे क्या? हमारे देश की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय नहीं दिया था? 1965 में युद्ध नहीं हुए थे कि 71 में युद्ध नहीं हुआ था कि 99 में कारगिल हमला नहीं हुआ था? क्या नहीं हुआ था?
देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का श्रेय किसी सरकार को नहीं जाता है, ये हमारे देश के लोग हैं, देश के जवान हैं ठीक जो है अपने प्राणों की आहुति देकर देश को सुरक्षित करते हैं। ये ठीक लोग है, किस मुगालते हैं मैं कांग्रेस का भी रुख कर या लेती हूँ। भावना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। भावना जी, अब तक हमने एनडीए वर्सेस यूपीए देखा है,